नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 4 पार्ट्स एंड वर्ब्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th मैथमेटिक्स। आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस पजल्स, इज़न्ट इट? नाउ द नेक्स्ट वन इज एन ओल्ड वुमन्स विल, एन ओल्ड वुमन्स विल, एंड दैट इज ऑन द पेज नंबर 66, ऑन द पेज नंबर 66, एंड यू ऑल्सो मस्ट बी ऑन द पेज नंबर 66 इफ योर टेक्स्ट बुक ओपन विथ यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड कंप्लीट पजल एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पजल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पजल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स read this one. See, once there lived an old woman. एक old woman थी। She lived with her three daughters. उन्हें तीन daughters थी। How many three daughters? She was quite rich and had 19 camels. She was quite rich and had 19 camels. How many? 19 camels. One day she fell ill. एक दिन वो बीमार हुई। The daughter called the doctor. अब वो बीमार हुई तो क्या हुआ? Daughters called the doctor. The doctor tried his best, but could not save the woman. अब डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन दी, ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमन, कुड नॉट सेव द ओल्ड वुमन। एंड क्या हुआ? तो वो ओल्ड वुमन है, सी डाई। आफ्टर हर डेथ द डॉटर्स रीड व्हाट सी हैड रिटन इन हर विल। अब वो जब मृत्यु हो गया उसका, तो The daughters read what is there in her will. अब उसने एक, वो जो old woman थी, उसने एक will बनाया था कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है वो कितनी किसको मिले। अब तीन daughters थी, तो तीन daughters के बीच में उसने will बनाया था। अब देखते हैं will में क्या था। My eldest daughter will get 1/2 of my camels. My eldest, जो सबसे बड़ी डॉटर है, विल गेट 1/2 ऑफ माय कैमल्स। अब वो जो ओल्ड वुमन थी, उसके पास कितने कैमल्स थे? टोटल 19 कैमल्स थे। हाउ मेनी? 19 कैमल्स उसके पास थे। उसमें से माय एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माय कैमल्स। फिर माय सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स। सेकेंड टोटल को कितना मिलेगा? 1/4 ऑफ माई कैमल्स। एंड माई थर्ड टोटल विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स। तो इस तरीके से जो ओल्ड वुमन थी, उन्होंने एक अपना बिल किया, 1/2 टू माई एल्डेस्ट, 1/4 टू माई सेकेंड एंड 1/5 टू माई थर्ड टोटल। कितने कैमल्स थे? 19। सॉरी, द डॉटर्स वेर रियली पजल्ड, हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ द 19 कैमल, आस्क द एल्डेस्ट डॉटर। अब जो एल्डेस्ट डॉटर थी, उसको कितना मिलने थे? 1/2। तो उसने क्या सोचा, हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ 19 कैमल। अब जो 19 है वो ओड है ना, ओड नंबर है, तो उसके हाफ कितने कैसे हो सकते हैं? हाफ ऑफ 19 इज 9.5। हाफ ऑफ 19 इज व्हाट? 9.5। 9.5 इज हाफ ऑफ 19, ठीक है। बट वी कांट कट केबल। अब 9.5 कैसे होगा? तो 9 तो पूरे केमल हो गए, लेकिन आधा केमल कैसे होगा? हाफ,
But we can't cut the cable. The second daughter said, तो second daughter ने ये बोला कि भाई 9.5 हुआ, 19 का half, 9.5 हुआ, तो 9 तो पूरे cable हो गए, लेकिन आधा cable किसे दे सकते हैं? That is right. But what will do we now? Ask the third daughter. तो third ने क्या बोला? You are right. तो अब हम क्या करें? Just then they show their aunt coming. ये जब discussion चल रही है तब उसकी जो aunt थी वो आ रही थी उनके घर. The daughters told her their problem. तो ये जो तीनों daughter थी उन्होंने उसकी aunt जो थी उनको ये problem बताया. तो वो जो aunt थी उसने क्या बोला? Show me the cable. Show me the will. I have an idea. मेरे पास एक idea है. You take my camel. So you have 20 camels. Now, can you divide them as your mother wanted? The aunt said. अब aunt ने क्या बोला? Take my camel. So the total camel will be 19. टोटल 19 थे उसमें से एक आंट का केमल हुआ तो टोटल नाउ इज 20 केमल्स. 20 केमल्स हो गए. अब नाउ यू डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड. द आंट सेड यू वांट हाफ ऑफ द केमल्स डोंट यू. अब वो जो आंट थी उसने एल्डेस्ट सिस्टर को पूछा you want half of the camels don't you. Take 10 camels. She said to the eldest daughter. ये हम बाद में सॉल्व करते हैं. Take your share. The aunt told the second daughter. पहले हाफ जो थे वो eldest को दे दिया फिर second daughter थी उसको बोला aunt ने take your share. She took 1/4 of the camel and poured blank camels. फिर You can take 1/5 of the camels. अब जो third daughter थी उसको बोला you can take 1/5 of the camels. The aunt told the third daughter she got blank camels. The daughters were very happy and counted their camels. So it was 10 plus blank plus blank is equal to 19. अब वो आपको textbook में देखना है. Okay? Now only page number 67. The one remaining is mine. तो 19 camel हो गए हैं. फिर एक remaining क्योंकि total 20 थे ना. तो एक remaining था वो फिर से aunt का बच गया. ठीक है. And the last question is how did this happens? Discuss. तो चलिए पहले तो हम किसका कितना share हो देखते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. See. Now total 20 camels are there. Now eldest daughter thi uska kitne the 1/2. So 1/2 of 20 matlab 20 multiplied by 1/2, isn't it? 2 tens are 20 is equal to 10 camels. तो ये जो 10 केमल्स है वो किसको मिल गए? एल्डेस्ट सिस्टर डॉटर और फिर दूसरी सेकेंड डॉटर उसको कितना मिलना था? 1/4 है ना. सो टोटल 20 हो गए. आंट का एक केमल मिला के टोटल 20 हो गए. उसका 1/4 सेकेंड डॉटर को देना था. 5 4 20 सो इज इक्वल टू 5 केमल्स किसको मिल गए? सेकेंड डॉटर को मिल गए. अब थर्ड डॉटर को कितने मिल रहे थे? 1/5 ऑफ टोटल कैमल्स. सो टोटल इज 20. उसका 1/5 मिलना था. 5 4 20 सो इज इक्वल टू 4 कैमल्स किसको मिल गए? थर्ड टोटल को. अब देखिए टोटल कितने केमल्स हुए? 10 केमल्स एल्डेस्ट को
प्लस 5, सेकंड को थर्ड को 4, सो 10 प्लस 5 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 केवल्स। अब 19 केवल्स हो गए, 19 केवल्स तो ये पूरा हो गया। तो वो जो थे वो एल्डेस्ट डॉटर के थे, सॉरी अपने वो जो ओल्ड वुमन के 19 केवल्स थे, तो तीनों को मिल गए। अब एक बचा, क्यों टोटल 20 केवल्स है ना, एक बचा जो किसका था, उसके आंख का था, तो वो उसने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी आंख में वो जो पजल थी उसमें से उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, दिस इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड वी ऑल्सो सॉल्व दिस प्रैक्टिकली। सो the last question, how did this happen, discuss. This is not a mathematical problem and practical problem tha, to practically uski aunt ne usko solve kar diya. Okay, so I hope you must have got this idea and enjoyed this puzzle or not. Good, chaliye, thank you for joining us, take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.